और मेरा वो पे, पोस्ट काफ़ी लोगों ने पसंद किया और मैंने उसमें कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए हैं जिसमें वो टेरेन मैं दिखा रही हूँ जहाँ उस समय मैं दौड़ रही थी और उसको देखकर मतलब पीपल वर स्टंड कि दिस रेस वाज सो डिफ़िकल्ट और दे वर आस्किंग मी आई मीन रियली अ रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड देयर पर अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारा ब्यूटीफुल सीन्स नहीं आपको दिखा पाई और जो बहुत डिफिकल्ट भी था नाइट पार्ट मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पाई और रिज क्रॉस करके हम लोग वॉल में चढ़ रहे थे दैट हिल वाज लाइक अ वॉल इतना वर्टिकल क्लाइंब वो था वो मैं शूट बिकॉज वो जो जो मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर किए हैं वो मैंने ही ड्यूरिंग द रन थोड़ा थोड़ा क्लिप अपने फ़ोन से लिया है बट और भी बहुत चैलेंजेस थे जिसको मैं नहीं शूट कर पाई बिकॉज ऑफ़ कोर्स मैं अगर अपने कैमरे से शूट कर रही हूँ और चढ़ भी रही हूँ तो मेरा फ़ोन नीचे गिर जाएगा बिसाइड्स मैं अपने रेस पर भी ध्यान दे रही थी कि मुझे टाइम पे इसको कंप्लीट करना है तो मैं वो सारी तमाम मुश्किलें चैलेंजेस चुनौतियाँ जिनसे मैं गुजर के आई आपको मैं नहीं दिखा पाई वो क्लिप मैं नहीं ले पाई बट Uh, I must say it was an outstanding experience. बहुत मुश्किल था मुश्किल का बाप था मतलब इतनी मुश्किल चीज़ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं की पहाड़ों में मैं बहुत दौड़ी हूँ घंटों घंटों में पहाड़ों में दौड़ी हूँ और मैं मुझे बहुत विश्वास था कि मैं पहाड़ों में दौड़ने में बहुत अच्छी हूँ पहली बात तो मैं पहाड़ी हूँ मेरे पैर देखो पहाड़ों में दौड़ने के लिए ना आपके जो पैर हैं वो चौड़े होने चाहिए तो जिनके कुदरती पैर चौड़े होते हैं वो पहाड़ों में ज़्यादा अच्छे से दौड़ पाते हैं और आपके जो काव्ज़ होते हैं वो जिनके मोटे मोटे काव्ज़ होते हैं वो क़ुदरती रूप रूप से पहाड़ों में दौड़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं मेरे पैर बहुत चौड़े हैं और मेरे जो काव्ज़ हैं ये बहुत मोटे हैं तो और मैं हूँ भी पहाड़ी तो ये कुदरती रूप से जो है मेरा शरीर पहाड़ों में चढ़ने और दौड़ने के लिए बना हुआ है इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं वहाँ गई मैंने ट्रेनिंग भी की थी पिछले आठ दस महीने से मैं पहाड़ों में ही दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ पास में मसूरी है और मैं इस मसूरी रोड पे अक्सर प्रैक्टिस करने के लिए वहीं जाती हूँ शुरुआत में तो जब मैं पहाड़ों में प्रैक्टिस करती थी तो मैं थक जाती थी लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी इतना दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के मैं इतनी ट्रेंड हो गई कि मैं बिना रुके कई घंटों तक पहाड़ों में दौड़ने लग गई थी पूरा चढ़ने लग गई थी तो खूब कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद मैंने सोलांग स्काई अल्ट्रा के लिए रजिस्टर किया कई लोगों ने मुझे बोला कि सौ किलोमीटर की कैटेगरी आप बहुत टफ है आप सिक्सटी के लिए रजिस्टर करो पर जब कोई किसी चीज़ को टफ कह देता है तो मेरे अंदर उसकी और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है उस चीज़ के लिए और फिर और भी मेरे अंदर एक जोश आता है कि नहीं इसने टफ बोला है तो यही करना है ये बात है तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने सौ किलोमीटर के लिए ही रजिस्टर किया जब मैंने रेस शुरू करी मेरे जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी पूरी तैयारी के साथ में गई थी वेल इक्विप्ड होकर गई थी ट्रेल रनिंग में क्या तमाम चीज़ें चाहिए वो सब रिसर्च करके लोगों से बातचीत करके मैंने काफ़ी शॉपिंग करी पैसा भी खर्च करा इसमें क्योंकि ट्रेल रनिंग में ना आपको बहुत सामान खरीदना पड़ता है ऐसा नहीं है कि जूता पहना बस अब निकल गए हाइड्रेशन पॉइंट में पानी पी लेंगे कुछ खा लेंगे और दौड़ते रहेंगे मैराथन की तरह सिटी मैराथन की तरह नहीं होता ये आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है सामान खरीदना पड़ता है मैंने वो तमाम सामान सामान खरीदा रात वाला पोर्शन भी था इसमें रन करने का बत्तीस घंटे तक रन करना था पूरे दिन पूरी रात अगला पूरा दिन इसमें रन करना था इसके लिए मैंने हेडलाइट बाई करी इंडिकेटर बाई करा कि अगर मैं गुम हो गई रात में कहीं पहाड़ों में उधर उतने बर्फी ले तो मैं लाइट जला सकती हूँ स्पेशल मैंने ट्रेल रनिंग के शूज़ बाई करे एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ सॉक्स बाई करे विंड शीटर बाई किया एक चाकू बाई करा ताकि अगर रात में कहीं मैं वहाँ पहाड़ों में गुम हो गई कहीं फंस गई रेस्क्यू नहीं हो पाई तो मैं कहीं थोड़ा कुछ लकड़ी वकड़ी काट कूट कर आग जला सकूँ इसके लिए चाकू ले गई इसके लिए मैं एक लाइटर ले गई हाइड्रेशन पैक भी मैंने बड़ा वाला ख़रीदा क्योंकि छोटे वाले में जो है आपका सारा सामान नहीं आ पाता है आपको जेल्स रखने हैं एनर्जी जेल्स खाने का कुछ सामान रखना है पानी रखना है बंडाना रखना है या कुछ और चीज़ जो है आपका रास्ते का यूज़ का सामान रखना है तो पूरी तैयारी करके गई और रन से पहले पूरे अपनी डाइट का मैंने ध्यान रखा प्रोटीन वगैरह मैंने थोड़ा ज़्यादा खाया रन से एक हफ्ता पहले मैंने खूब दबा के काव्ज़ लिए तो इतना अच्छे से मैं तैयार थी और इतनी पॉजिटिव टोन के साथ मैंने इस अपने रन को शुरू किया तो शुरुआत में जो है थोड़ा बहुत सड़क में दौड़े हम और सड़क के बाद हम सीधे एक बहुत ऊंचे खड़े पहाड़ में आ गए और उस पर हम चढ़ने लगे करीबन 11 किलोमीटर तक तो उस पर चढ़ना ही चढ़ना था और टॉप में जो पहुंचते हैं उसको कोठी टॉप कहते हैं तो वहाँ पूरा चार किलोमीटर में ही हम वाली हालत इतनी खराब हो गई मतलब करीबन 50 मिनट हो चुके थे और हम सिर्फ चार किलोमीटर की चढ़ाई कर पाए थे तो मैंने देखा मेरे साथी जो पीछे से आ रहे थे वो तो बहुत पीछे कहीं रह गए और वो दिखने भी बंद हो गए और जो मेरे आगे वाले थे जो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे वो तो बहुत आगे पहुंच गए तो मेरे आना आगे कोई था ना पीछे कोई था पर मैं लगी रही लगी रही पानी पीती रही बीच बीच में गुड़ ले गई थी वो खाती रही बीच बीच में हाइड्रेशन पॉइंट भी आया तो वो पूरा पहाड़ चढ़कर उतरी उतर कर फिर हम नदी के रास्ते में चले गए नदी के बाजू बाजू में दौड़ते रहे दौड़ते दौड़ते न जाने कितने घंटे बीत गए और फिर थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरे चारों तरफ खूब ऊंचे-ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं उनमें थोड़ी थोड़ी टॉप में बर्फ पड़ी हुई थी क्योंकि अभी जो है मौसम सूखा है हिमाचल में बारिश नहीं हो रही है तो बर्फ नहीं पड़ रही है अदरवाइज अगर बारिश वाला मौसम होता तो वो पहाड़ बर्फ से भरे हुए होते यू you नो know? तो सडनली मैंने देखा कि टाइम मेरी घड़ी में बज गया था पाँच और चारों तरफ मैं पहाड़ों के बीच में हूं खूब ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं रॉक रौ, वाले और टॉप में उनकी बर्फ पड़ी हुई है और नीचे पूरी मतलब स्टोन्स ही स्टोन से एक बड़ा सा वैली जैसा है तो ना और आगे पीछे मेरे कोई नहीं तो मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा मुझे बड़ा डर लगने लगा वहाँ रास्ते में रॉक्स के ऊपर एरो मार्क्स बने हुए थे और उन्हीं को फॉलो कर करके हमें जाना था और सडनली मैं देखती हूँ कि मेरे को अब आगे कोई एरो नहीं दिख रहा एक एरो जिस तक मैं पहुँची थी उसके आगे कोई एरो नहीं था तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड मैं अब कहाँ एरो ढूंढूँ मैं कहाँ जाना है मुझे कुछ नहीं मालूम और वहाँ कोई नेटवर्क नहीं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते और ठंड बढ़ने लगी थी रात होने लगी थी मैं तो कोई जैकेट भी नहीं लेकर गई थी बिकॉज मुझे लगा था ये डे वाला रन कंप्लीट करके शाम को अंधेरा होने से पहले मैं होटल पहुँच जाऊँगी होटल पहुँच के डिनर खाना था और रात वाले कपड़े पहनने थे जैकेट वैकेट जो आपने पहनना है वो पहनना था वो पहनकर फिर आपको रात वाले सफर पे निकलना था तो मेरी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से मैं शाम होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगी होटल में कपड़े बदलने के लिए तो मैं जैकेट भी लेकर नहीं गई थी और ठंड लगने लगी मैं मैं लॉस्ट होने लगी मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गई रास्ते में अब मेरे को आगे कोई मार्क नहीं दिख रहा तो काफ़ी मैंने सीटी वीटी बजाई तो थोड़ी देर बाद बहुत दूर से एक आदमी सामने हाइड्रेशन पॉइंट था वो मुझे वेव कर रहा था तो मेरी जान में जान आई और मैं जाकर वहाँ पहुँची फिर उसने मुझे आगे का डायरेक्शन बताया और आगे फिर मैं दोबारा रॉक्स के ऊपर हाथ रख रख कर ऐसे ऐसे क्लाइम कर रही थी और न जाने कितने फीट हाइट में आगे चली गई थी और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा अगर मैं ज़रा सा फिसली तो सीधे नीचे खाई में गिरूंगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना खौफनाक वो सफ़र था जो मैंने किया अल्टीमेटली मैं लेडी लेडी लेग करके एक पॉइंट है वहाँ पहुंची अंधेरा हो चुका था मैं तो इनफैक्ट फ्लैशलाइट भी नहीं ले गई थी जो हेडलाइट है क्योंकि मैं तो अज्यूम कर रही थी रात होने से पहले होटल पहुंच जाऊंगी थैंक गॉड मेरा मोबाइल मेरे साथ था मोबाइल की लाइट जलाकर मैं पूरा वहां से उतरी फिर सड़क पर आई फिर सड़क में दौड़ दौड़ कर फिर मैं होटल पहुंची ग्यारह घंटे का समय दिया गया था लेकिन मैं वहाँ साढ़े नौ घंटे में ही पहुंच गई फटाफट मैंने खाना खाया रात वाले कपड़े पहने और रात वाले सफर पे निकल गई उसके बाद रात वाले सफर में हमको सड़क से नीचे उतरकर नदी पर जाना था और नदी क्रॉस करके फिर हमें एक गाँव जाना था वो गाँव क्रॉस करके फिर हमको फिर जंगल की ओर चले जाना था जंगल पहाड़ियों में जंगल जो ऐसा प्लेन्स वाला जंगल नहीं पहाड़ है और जंगल भी है और उस घने जंगल में हमें पूरी रात में पूरी रात भर चलना था लाइट अपना जो हेडलाइट है, लाइट की रोशनी से देख देख कर पेड़ों में उन्होंने इंडिकेटर लगाए थे वो इंडिकेटर को देख देख कर हमें आगे बढ़ना था कितना खतरनाक वो सफ़र था मैं ज़िंदगी में पूरी रात मैंने कभी रन नहीं किया पहली बार किया उस रेस के दौरान जंगलों में और यू you नो know, पूरे रॉक्स के बीच में उस अंधेरे में हैंग गॉड उस समय मेरे साथ एक रनर था जो मेरे साथ मुझे वी वर रनिंग टुगेदर आई थिंक अभी लाइव सेशन में वो शायद यहाँ हो भी विजय दास उसका नाम है तो वी वर टुगेदर और मैंने उसको बोला विजय ये रात वाले पोर्शन में हमें साथ रहना है तो कुछ भी हो जाए बिकॉज अकेले मैं पड़ गई और गुम हो गई या तुम अकेले पड़ गए और तुम गुम हो गए और वहां पर भालू हैं हमको पहले ही बता दिया गया था यहाँ जंगली जानवर हैं इसलिए कभी भी थोड़ी मुश्किल हो तो आप लाइटर जलाओ उसको डराने के लिए मतलब आप समझ सकते हैं कि हम पूरा जानकारी के साथ जानते हुए वहां पे गए थे तो नाइट वाला पोर्शन नाइट में क्या होता है बॉडी को सोने की आदत है तो हम ढीले पड़ जाते चलते चलते नींद आ रही है स्पीड भी कम हो गई है डिस्पाइट और टाइम इज रनिंग आउट टाइम पे हमें खत्म करना कट ऑफ टाइम है आपको पूरा जंगल क्रॉस करके पहाड़ी चढ़कर चौदह मोड़ एक लैंडमार्क है वहाँ पहुँचना था सुबह के छः बजे से पहले तो पूरा प्रेशर था कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है बिना टाइम वेस्ट के लगातार चलते जाना है हम थक भी रहे थे मेरा जो साथी था विजय दास वो उड़ीसा से आया है उसको थकान हो रही थी क्योंकि उसको पहली बात तो पहाड़ों में चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं था और दूसरी बात जो है मैं तो मेरे फेफड़े थोड़े बड़े साइज के हैं क्योंकि मैं जेनेटिकली मैं पहाड़ों की हूं तो मुझे चढ़ाई करते समय मैं हाफ हाफ़ थी नहीं हूं मैं ब्रेथलेस नहीं होती हूं बट वो हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम प्लेन्स उसका बॉडी अलग है तो ही वॉज़ गेटिंग टायर्ड एंड एवरी फाइव टेन मिनट्स ही वॉज़ आस्किंग मी कि दो मिनट रेस्ट कर लेते हैं पर मुझे मालूम था कि रेस्ट करेंगे तो फिर हमारा हो गया तो मैंने किसी तरह से उसको पुश किया और रेस्ट भी हम हमने किया लेकिन मैं उसको जल्दी उठा देती थी, थी नहीं नहीं यार चल 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 नहीं यार वहाँ रेस्ट कर लेंगे यार एक बार उजाला हो जाए क्योंकि मैं अंधेरे में अकेले नहीं पढ़ना चाहती थी तो मैं उसको पकड़ के खींच के हम साथ साथ गए और आप विश्वास नहीं करोगे एक ऐसा भी पॉइंट आया कि हम एरोस फॉलो कर रहे अंधेरे में आगे बढ़े चले जा रहे हैं और एक जगह हमें सडनली कट लेना था राइट साइड में ऊपर को पर पर जो ट्रेल बना हुआ है ट्रेल की डायरेक्शन आगे है तो हम नेचुरली जहाँ ट्रेल बना होता है वहां पे ऑटोमेटिकली हम चलते हैं हमें लगता है रास्ता यही होगा तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि दाहिने मुड़ना है ऊपर की ओर बजाय उसकी हम सीधे सीधे जहाँ पे ट्रेल की डायरेक्शन बनी हुई है वहां जा जाने लगे और आगे खाई थी मतलब अगर हम थोड़ी देर और आगे जाते तो हम खाई में गिर जाते और वो रात का समय था और वो तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि सामने खाई है मैंने बोला विजय वापस लौटो हम गिरने वाले हैं तो हम लौटे फिर हम डायरेक्शन मार्क ढूंढा जहाँ एरो बने हुए हैं फिर हम ऊपर की ओर चढ़े मतलब इतना खतरों से खेल खेल कर हम गए हाथों से पंजों से हम उन पत्थरों को पक हमने कभी ये ट्रेनिंग नहीं की है लेकिन हमने वहाँ पे की तो ये पूरा हमारा सफर रहा और जब चौदह मोड़ हम पहुंच गए सुबह पाँच बज गए थे हल्का हल्का उजाला होने लगा था तो हमें लगा कि यार अब मुश्किल का दौर खत्म हो गया है शायद अब जो है अब कोई मुश्किल नहीं आएगी अब इसके आगे शायद आसान ही होगा पर यह बहुत बड़ी गलत फहमी थी आसान वसान कुछ नहीं था उससे भी खतरनाक चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद अब हम ऐसे पहाड़ पर चढ़ने वाले थे जिसकी ऊंचाई चौदह हजार फीट थी और वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होने वाला था डिप होने वाला था और ऐसे में जो है वो यू you नो know, जो एक उल्टी आना सिकनेस होना वो सब चीजें अभी होने वाली थी और बड़ी बात तो ये है कि ये जो मुश्किल दौर हम तब आया जब हम ऑलरेडी पूरी तरह थक चुके हैं बीस घंटे से दौड़ रहे हैं तब वो स्टेज आई है जब हमको अब वो बर्फीले पहाड़ पे चढ़ना है एनी anyway, वे हम चढ़ने लगे और अब स्पीड हमारी स्पीड बहुत, स्पीड बहुत स्लो हो गई एक एक कदम रखना बहुत ही दूभर हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम थी कि दम फूल रहा था मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इतना थक क्यों रही हूँ जबकि मैं तो इतना धीरे धीरे बढ़ रही हूँ फिर मैं क्यों थक रही थक मैं इसलिए रही थी क्योंकि ऑक्सीजन कम थी शरीर थका हुआ था और अब उजाला हो चुका था विजय जो है वो बहुत थक गया था और इस हाइट पे चढ़ना विजय के लिए बहुत मुश्किल हो गया था तो मुझे लगा कि अब जो है अगर मुझे इस दौड़ को टाइम पे पूरा करना है तो मुझे अब आगे का रास्ता अकेले करना पड़ेगा उजाला भी हो चुका है तो अकेले जाने में कोई मुश्किल नहीं है तो मैं अकेले अकेले गई बाद में मुझे पता चला कि विजय धीरे धीरे आ रहा था और वो बेचारा रास्ता भटक गया वहाँ उसका एक घंटा बर्बाद हुआ यहाँ पे रास्ता भटकने का भी बहुत खतरा है मैं तो दो बार बुरी तरह से रा, रास्ता भटकी और मेरा दो तीन घंटा सही रास्ता ढूंढने में लग गया देखो ट्रेल रनिंग जो है ना केवल इसके लिए शरीर का मजबूत होना जरूरी है इसके लिए दिमाग का अलर्ट होना भी बहुत जरूरी है ट्रेल रनिंग जो है इंटेलिजेंट रनर्स के लिए इट इज मैंट फॉर इंटेलिजेंट रनर्स वो रनर्स जो कूल cool काम रहते हैं और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं डायरेक्शन कहाँ बना हुआ है अगर डायरेक्शन गुम हो गए गय, हो गया तो आप फिर कैसे अपना डायरेक्शन को फाइंड करेंगे मैप होता है आपके घड़ी में वो जी फाइल देते हैं वो घड़ी से आपको फिर अभी क्या है ना घड़ी में मैप दिख रहा है आपको वो भी दिख रहा है आप कहाँ खड़े हो लेकिन वहां से कहाँ जाना है वो भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ता है तो इट इज फॉर इंटेलिजेंट रनर्स एनी मैं फिर वो चौदह हज़ार फीट की हाइट पे जब चढ़ रही थी सुबह का छः बज गया था लेकिन धूप वहाँ पे नहीं आई थी उस पहाड़ पे धूप नहीं आई थी दूर के पहाड़ों पे धूप दिख रही थी पर उस पहाड़ पे जहाँ पर वह चढ़ रही थी उस पर धूप नहीं आई थी और मैंने सिर्फ एक विंड शीटर पहना हुआ था और एक टी शर्ट पहनी हुई थी मैं ठंड में काँपने लगी मेरे दाँत ऐसे कटकटाने लगे और मेरे हाथ मैंने देखा फूल गए ठंड से और मुझे उस समय इतना डर लग रहा था मुझे लग रहा था कि शायद मैं जो है यहाँ पे मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और मैं यहीं पे गिर जाऊँगी लेकिन न जाने क्या बात थी मैं बढ़ती रही बढ़ती रही, हाथों तो को ऐसे 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 करके मैं घिसती रही कि थोड़ी सी गर्मी आए और मैंने बेवकूफ़ी ये की कि मैंने जो है कुछ गर्म कपड़े नहीं पहने थे जब मैं रात को डिनर खा के निकली थी तो मुझे लगा यार उस समय वहाँ तो ठंड हो नहीं रही थी और मुझे ये आइडिया नहीं था कि हम इतनी हाइट तक जाने वाले हैं तो उस समय तो नॉर्मल विंड चीटर पहन की गई मुझे लगा हम मैं रन करूंगी तो गर्मी होने लगेगी गर्म कपड़े पहनूंगी तो फिर पसीना आने लगेगा लेकिन जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी मैं ठंड से बहुत कांप रही थी जो कपड़े मैंने पहने थे वो इनसफिशेंट थे एनी वे किसी तरह से मैं टॉप में पहुंची लकीली उन्होंने वहां टॉप पर पर जो है आग जलाई हुई थी तो मैंने अब आग से अपने हाथों को थोड़ा गरम वरम किया उस समय तक थोड़ी धूप भी आ गई थोड़ा मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा मतलब दस मिनट गरम किया और फिर मैं उस पहाड़ से उतरने लगी पर जब मैं उतर रही थी तब मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई ट्रेजेडी ये हुई कि मैं अपना रास्ता भटक गई रास्ता आ, मार्क उन्होंने किया था रॉक्स के ऊपर निशान बनाकर सफेद रंग के पेंट से या येलो रंग के पेंट से उन्होंने एरो मार्क बनाए हुए थे स्टोन्स और रॉक्स के ऊपर तो आपने उनको फॉलो करना है तो मैं पहाड़ी की उस चोटी पर थी जहां पर जो है आ, इतनी ज्यादा लाइट थी कि सारे जो स्टोन्स हैं वो बहुत शाइन कर रहे थे फ्लैश कर रहे थे सब वाइट दिख रहे थे ऐसे में उन पे बने हुए व्हाइट मार्क को पहचानना मुश्किल हो गया वो दिख ही नहीं रहे थे तो मैं जो है बिना मुझे बोला कि सामने नीचे पहाड़ है वहां पर एक टेंट है नेक्स्ट पॉइंट वो है आपने वहां तक पहुंचना है एरो मार्क्स मुझे नजर नहीं आ रहे तो मैं जो है सीधे अपनी नज़र से देख कर कि सामने मेरी नज़र में देखो वो वहाँ पे टेंट है उस डायरेक्शन में मैंने जाना है वो स्ट्रेट लाइन पे मैं चलने लगी लेकिन जब मैं पहाड़ से उतरी और उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करने लगी जहाँ टेंट बना हुआ था तो मेरा वो अंदाज़ा मुझे नहीं आया कहाँ पर वो टेंट है मैं रास्ता भटक गई करीबन डेढ़ घंटा मैंने वेस्ट किया मैंने फ़ोन वोन किया तो केम एंड हु गॉट मी ऑन द राइट पाथ Because of this, I wasted a lot of time. So overall, jo hai, the journey was very adventurous. I made some mistakes. I lost my way. I did not carry sufficient warm clothing. So these are the errors I made and I have learned from them and because of these various mistakes and my time management because the whole race is very difficult till the end. It remains difficult और आपको जो है टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको लेस लास्ट के सेक्शन के लिए टाइम ज़्यादा बचाना है क्योंकि बॉडी थक कर चूर हो जाती है और आप बहुत धीमे पड़ जाते हो उस समय एक एक कदम रखना बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए जब आपका जो शरीर है वो ताज़ा है उसमें एनर्जी बनी हुई है तब आपको मैक्सिमम माइल्स कवर करने चाहिए सो दैट मैक्सिमम टाइम लास्ट के पोर्शन के लिए रहे I made some errors because of which I completed my hundred kilometer run in thirty four hours. I took extra time, but the journey was fabulous. The journey was outstanding. ये पूरा रन खत्म होने के बाद जब मैं अपनी आंखें बंद करके फ्लैश बैक में देखने लगी किन तमाम मुश्किलों चुनौतियों से गुजर कर मैं गई तो मेरे मन में अपने लिए ही बहुत रिस्पेक्ट आई और मुझे पहली बार लाइफ में पता चला वॉट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग लिटरली मुझे लगा अगर मैं इतना खतरा मोल ले सकती हूँ और इतने साहस के साथ आगे बढ़ सकती हूँ तो जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं टैकल नहीं कर सकती तो वो कॉन्फिडेंस मैंने जो अर्न किया दिस इज गोइंग टू हेल्प मी नॉट ओनली इन माई करियर एज अ रनर बट ऑल्सो इन माई रियल लाइफ एज अ पर्सन सो आई हैव ग्रोन बाई डूइंग दिस रन आई हैव ग्रोन मोर इंटेलिजेंट आई हैव ग्रोन मोर यू नो मोर resilient. और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्ट्रेंथ बड़ी है जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती और अब तो मुझे लगता है छोटी मोटी जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को देख हम परेशान दुखी हो जाते हैं और उस पहाड़ की दौड़ ने चढ़ाई ने जो मुझे सिखाया है उससे मुझे यही पता चला है कि मतलब पर्वत की तरह बलवान होना चाहिए तो क्या लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से घबराना मुझे नहीं लगता कि अब मैं घबराने वाली हूँ सो बट मैं दोबारा सोलांग जाऊंगी और बहुत डबल ट्रिपल मेहनत करूंगी और पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। रूट कैसा है उसको जाकर पहले ही देख लूंगी। सो दैट मेरे को जो है रास्ते में भटकने की गलती मैं ना करूं। वेल well इक्विप्ड होके जाऊंगी गरम कपड़े लाइट वगैरह सब कुछ लेके जाऊंगी और नेक्स्ट टाइम मैं इसको और बेहतरीन तरीके से इस रेस को पूरा करूंगी दिए गए टाइम के अंदर करूंगी तो गाइज मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है और अब मैं देखूंगी आप लोग मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं यस yes, दुर्गा आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स जो है उन्होंने जो है वुलन्स के बारे में सही जानकारी आई थिंक वो चूक गए देने से और मैंने ये फीडबैक पे भी उन्हें बताया है तो अगली बार से आई थिंक ये गलतियां नहीं होगी अच्छा और एनी अदर क्वेश्चन गाइज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द वेरियस क्वेश्चन वट डिड यू ईट ऑन द वे फॉर एनर्जी देखो मैं तो एक्चुअली एनर्जी जेल्स ले गई थी इसके अलावा मैं अपने साथ जैगरी गुड़ बोलते हैं वो ले गई थी और मैं डेट्स लेके गई थी ये सब चीज़ें मैंने खाई और एवरी हाइड्रेशन पॉइंट में मैंने केला खाया मतलब उन्होंने केला दिया था तो एवरी हाइड्रेशन पॉइंट में मैंने केला खाया इसके अलावा मैं रात को जब डिनर दिया गया था तो मैंने काफ़ी सारा राइस एंड दाल उस समय खाया और इसके अलावा जो है ये जो हाइड्रेशन पॉइंट्स बनाए थे वो एवरी यू नो थ्री टू सिक्स किलोमीटर में थे तो यू नो एवरी थ्री टू सिक्स किलोमीटर में मैंने जो भी वो खाने का सामान दे रहे थे मैंने लगातार कुछ ना कुछ भूख नहीं लग रही थी मुझे लेकिन स्टिल मैं खाती गई बिकॉज़ आई न्यू सिकनेस की वजह से भूख नहीं लगती हाई एल्टीट्यूड में लेकिन शरीर की जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है तो आपने खाना खाना पड़ेगा अच्छा और इसके अलावा आप देवेश वी वॉच योर रनिंग पिक्स वीडियोज एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग थैंक यू वेरी मच देवेश आई एम ग्लैड माई पिक्स इंस्पायर यू ओके गाइज

पर बॉडी जो है वो स्लीप वाले जोन में थी तो मेरी स्पीड काफी कम हो गई थी लेकिन जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग के बजते ही मेरे शरीर में न जाने से ताकत आ गई सडनली मैं बहुत बहुत अलाइव मतलब एनर्जेटिक फील करने लगी एज इफ मैं रात भर जगी नहीं थी एज इफ मैं रात भर आराम कर चुकी थी तो हमारी बॉडी बहुत रेजिलियट होती है डेली मैं चार बजे घर पे उठ जाती हूँ तो वहां रन के दौरान भी चार बजे के बाद मेरे शरीर में एनर्जी आ गई न जाने कहां से और मैं रिमेनिंग जो डे वाला पोर्शन है मैंने बहुत अच्छे से कवर किया मुझ में थकान नहीं थी मैं बढ़िया उसको कर रही थी हाँ नेक्स्ट डे पूरा करने के बाद इवनिंग टाइम में ऑफकोर्स मैं थकने लग गई थी सो दिस इज लाइक दिस इज इट ओके सो गाइज दिस इज ऑल एंड आई जस्ट गो थ्रू ए क्वेश्चन थैंक यू सत्येंद्र जी या थैंक यू आई कीप इट अप एंड या thank you so much luckily i did not meet any wild animals but i had that thought in my mind but i uh, yes i was prepared for it so i did not worry myself about it so guys uh, thank you very much for joining this session uh, we'll meet again in next uh, live session whenever i start it so bye bye